Yeah, third part might be last of this. Categorization. एक बात याद रखना, एक साइंटिफिक डाटा के थ्रू ये प्रूव हुआ है, आपके रूम में हम आप जितने कैटेगरिकली चीजें रखोगे, आपको पता है ये चीज यहाँ पे है, वो चीज वहां पे, इस तरह से रखी हुई है, उस तरह से रखी हुई है, ऐसे लाइन में रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, तो वो आपको आपकी रूटीन में काम करने के लिए फास्टली फटफट से, या फिर आपके रूटीन को एक इफेक्टिव रूटीन बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सेम थिंग है, एक ब्रेन की साइकोलॉजी है, जितनी चीजें आप क्लियरली, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें क्लियरली प्रॉपरली मैनेज करके रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेम है हर एक चीज में, आपका डेली रूटीन रहने दो, आपका एक्सरसाइज करने का रूटीन रहने दो, आपका मॉर्निंग एक्सरसाइज का रूटीन रहने दो, आपका डाइट का रूटीन रहने दो, आपका हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड रूटीन रहने दो, आपका स्टडी से रिलेटेड रूटीन रहने दो, राइटिंग से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, स्लीपिंग पैटर्न का रूटीन रहने दो, हर एक चीज कैटेगराइज करो। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, 10 बार, 1000 बार, कितनी भी बार फेल हो जाओ, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा, जब तक आप रेडी होके डू डिग योर ओन थिंग का ना, उसके बाद मैं नेक्स्ट बोलूंगा, कैटेगराइज नहीं करते हैं चीजों को, ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, इस चीज को इस तरह से करेंगे, नॉट फोर्सफुली, डिफरेंट है, दो दबा दबा के गुस्से में या फिर फोर्सफुली नहीं करना है, कैटेगराइज करके, अगर वो चीज उस तरह से नहीं होती है तो उसको थोड़ा टाइम देके रिलैक्सली, अगर आप उन चीजों को उस सिस्टम के थ्रू उस तरह से रखते हो तो वो आपको आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि अगर मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे राइटिंग करना है, मुझे रीडिंग करना है, मुझे सोशल मीडिया पे कोर्स ढूंढने हैं, मुझे मूवीज देखनी है, मुझे क्या बोलते हैं उसको, साइकिलिंग करना है, मुझे राइडिंग करना है, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, टैटू निकालने हैं, अगर मैं इन सारी चीजों को मिक्सअप करके एक कॉम्प्लिकेशन बना लूं तो कभी मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इन चीजों को कैटेगराइज करता हूं चंक में, अलग अलग तरह से, इस तरह से ये चीज करनी है, उस तरह से उस ये चीज करनी है, उस तरह से वो चीज करनी है, ऐसे मैं अपने ब्रेन में प्लान आउट कर लेता हूं या फिर कहीं पे लिख के खुद को वो चीज बता देता हूं, तो वो बहुत हेल्प करती है। कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान हुआ, कैटेगराइजेशन मत करो। इंसान पीपल, उनको फीलिंग्स है, उनको माइंड है, वो सेंसिटिव है। इंसान को सेंसिटिव क्यों कहा जाता है, इंसान को इंसान क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि वो उसके पास दिमाग है और उस दिमाग से वो सोचता है और उस तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए इंसान को इंसान कहा जाता है। सो इस चीज को समझो, कैटेगराइजेशन इंसानों में मत करो। जो आप चीजें करते हो डेली, जैसे कि आपके जॉब से लेके, आपके खाने से लेके, आपके डाइट, साइकिलिंग, स्विमिंग, हेल्थ, फिटनेस, इन सभी चीजों से रिलेटेड चीजें जो है उसमें कैटेगराइजेशन करो, कैटेगरीज बनाओ, इस तरह से चीज करनी है, इस तरह से, एंड खुद के ब्रेन को ट्रेन करो उस तरह से वो चीजें करने के लिए। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3। फर्स्ट माइंडफुलनेस, डिग योर ओन थिंग, खुद की चीजें खुद करो, बिकम एज मच एज प्रोएक्टिव एंड माइंडफुल, प्रोएक्टिव क्या बोलेंगे इसको, एज मच एज वाइज यू कैन कैटेगराइज थिंग्स बोल रहा हूँ, चीजें जो कुछ आप दिन में करते हो, जो कुछ आप अप्लाई करते हो आपकी लाइफ में, उनको कैटेगराइज करो। देन कम्स द पार्ट दैट अफेक्ट्स माई लाइफ, और ये सारी चीजें मैं कहाँ से सीखा हूँ मैं बोलूंगा, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट जाएगा एक तो मेरा चाइल्डहुड ऐसा था ना, जहाँ पे मोबाइल ये जो अभी की जनरेशन है फंसी हुई ना, इन सभी चीज़ों में होल्ड कंटिन्यू करेंगे।